मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन, मेरा परिचय। ये मेरा परिचय मेरे द्वारा लिखा हुआ नहीं, ये डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी हुई लाइनें हैं और मुझे हमेशा मोटिवेट करती रहती हैं, मुझे हमेशा हम्बल रखती हैं। नमस्कार, मैं विजय विक्रम सिंह। आज सुबह सुबह एक बड़ी खूबसूरत दो लाइनें याद आईं कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर सोच लिया तो हार है, अगर सोच लिया, ठान लिया तो जीत। इसी से जुड़ी एक बड़ी खूबसूरत कहानी मैंने पढ़ी, मैंने कहा चलिए आपसे शेयर करता हूँ। दो मेढक थे, एक मोटा और एक चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त सेहतमंद मेरी तरह। तो दोनों अपना उछल कूद मस्ती करते रहते थे। एक बार इसी तरह मस्ती करते करते वो एक अस्तबल के सामने पहुँचे, जहाँ पर अस्तबल के मालिक ने एक बाल्टी में कुछ लाके रखा। अब दोनों की उत्सुकता जागी कि ये क्या है, तो दोनों उस बाल्टी के पास पहुँचे, कोशिश करने लगे झांकने की कि क्या है, देखते हैं, पर देख नहीं पाए तो कूदे बाल्टी के ऊपर और बाल्टी में गिर गए। उस बाल्टी में था दूध। पानी होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, उछल कूद करके दोनों बाहर आ जाते। दूध था, दूध होता थोड़ा गाढ़ा और थोड़ा चिपचिपा सा था, तो वो दोनों मेढक उस बाल्टी से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, पर बाहर नहीं आ पा रहे थे, फिसल जा रहे थे बार बार। तो उन्होंने ये तय किया कि ऐसा करते हैं, तैरते रहते हैं और कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, कूद फान के बाहर आ ही जाएंगे। तो उन्होंने पैडलिंग करना शुरू किया, तैरना शुरू किया। करते रहे घंटा दो घंटा, उसी में कूदते भी रहे, कोशिश करते रहे कि बाहर आ पाए, बाहर नहीं आ पाए। पैडलिंग करते करते कई घंटे बीत गए और जो मोटा वाला मेढक था उसका स्टैमिना जवाब देने लगा, उसका शरीर जवाब देने लगा। जो पतला वाला मेढक था वो उसको बराबर मोटिवेट करता रहा कि नहीं, हम निकल सकते हैं, हमें कोशिश जारी रखनी चाहिए, चिंता मत करो। पर एक समय ऐसा आया जब वो मोटा वाला मेढक, उसकी सारी एनर्जी ख़त्म हो गई और उसने सोच लिया कि अब वो आगे पैडल नहीं कर सकता, वो तैर नहीं सकता। उसने सेहतमंद मेढक से कहा कि दोस्त, हमारा साथ बहुत अच्छा था, पर अब मैं इससे ज़्यादा नहीं तैर सकता, अब शायद मेरा अंतिम वक्त आ गया है। हालांकि उस मेढक ने, पतले वाले मेढक ने बहुत कोशिश करी मोटे मेढक को और मोटिवेट करने की, पर वो नहीं कर पाया और मोटा वाला मेढक डूब गया। पतले वाले मेढक ने फिर भी हार नहीं मानी, वो बहुत रोया लेकिन पैडलिंग करता रहा, तैरता रहा। कई घंटे जब बीत गए तो बड़ी जाहिर सी बात है कि क्योंकि गर्मी थी तो दूध फट गया तो थोड़ा और गाढ़ा हो गया। वो गाढ़ा हो गया तो उससे मौका मिल गया पतले वाले मेढक को कूद कर बाहर आने का। वो बाहर आया, झट से पानी में चला गया और बच गया। कई साल तक वो उसके बाद ज़िंदा रहा, उसके बच्चे भी हुए और वो अपने बच्चों को ये कहानी बताता रहा। वो अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को कहानी बताता रहा कि कैसे अगर हम मन से हार मान लें तो हम वाकई हार जाएंगे। ज़िंदगी बहुत परीक्षाएं लेती है, कई ऐसे मौके आते हैं जब हमें लगता है कि अब शायद हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वही वो मौका है जहां पर आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को बाहर लाना है और आगे बढ़ते रहना है। वही वो मौका है जहां पर आपको अपनी सारी पॉजिटिविटी उसके अंदर झोंक देनी है। याद रखिए, फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। यकीन है हमें ये जंगे जिद जीत जाने की। तो ऐसे ही जिंदगी में जीतते रहिए आप और हमें भी जिताते रहिए। कैसे? अगर हमारे थॉट्स, हमारी कहानियाँ आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हमें बताइए क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया। हमें फीडबैक बहुत अच्छा लगता है। लाइक करिए हमारे कंटेंट को, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए वेकअप एंड शाइन, और मुझसे संवाद करते रहिए। नमस्कार।